हेलो विनर्स, कैसे हैं आप? मजे में है? देखिए आज कितना सुंदर एक आपके पास कोटेशन मैं लेकर आया हूं। मुस्कान और मदद, आपके हंसी, आप दूसरे को कितना मदद करते हैं, ये दो ऐसे इत्र हैं। इत्र समझते हो, जो सुगंधी लगाते हो, यह ऐसा सुगंधी है, ऐसा इत्र है जिन्हें जितना अधिक दूसरों पर छिड़केंगे, जितना अधिक दूसरों पर छिड़केंगे उतने ही सुगंधित आप स्वयं होंगे। यानी दूसरे पर मुस्कान बिखेरिए और खुद मुस्कान पाइए, दूसरे की मदद कीजिए और खुद भी मदद में आ जाइए। कहने का अर्थ है कि मुस्कान और मदद, ये दो चीज को कभी जिंदगी में आदमी को छोड़ना ही नहीं चाहिए। यह अगर आपके हाथ में है तो आप ये मानकर चलें कि आप कहीं ना कहीं सर्वश्रेष्ठ बनने जा रहे हैं। तो हमेशा मुस्कुराते रहिए, हमेशा हंसते रहिए और लोगों का मदद करने में तनिक भी पीछे न हटिए। आप अगर हैं उस लायक, सक्षम हैं तो जरूर मदद करें। अगर हम दूसरे की मदद करेंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारी भी मदद करेंगे, आपकी भी तरक्की उसी में निकलेगा। आप ऐसे बने कि जब आप खड़ा हो तो सारे लोग आपके साथ खड़े हो जाएं और जब आप बैठें तो सारे लोग आपके साथ बैठें, तभी आप महान हैं, है ना? तो वो महानता है। इसलिए मुस्कान और मदद, ये दो चीज आज आप दिमाग में रख के चलें कि दूसरे के लिए हमें क्या करना है। हमेशा हंसते रहिएगा और चेहरा रहेगा एकदम पूरा, तो क्या होगा, लोग आपको देखबे नहीं करेगा। इसलिए ये दो शब्द अपने जीवन का अंग बना लीजिए। और आज चलते हैं हम लोग अपने नाउन का 141 नंबर क्वेश्चन से हम लोग आगे बढ़ेंगे 160 नंबर क्वेश्चन तक। अभी तक उम्मीद करते हैं कि आप नए नए चीजों को सीखा, नाउन विशाल है, उनमें से आपके पास मैंने बहुत सारा चीज ऐसा लाया जिससे आप अच्छे बने हैं। तो अब आपका क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, उसकी मैं आश्वासन आपको देता हूं। हाँ, एक बार रिवीजन करना पड़ेगा, फिर से अपने आप को उसके साथ जोड़कर एक नंबर क्वेश्चन से लेकर यहां तक आपके पास आना पड़ेगा और क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन में। और आपके सामने ये एक कप के साथ आपका है और ये रहा आपका क्वेश्चन। जरा ध्यान से देखिएगा, अंडरलाइन जो पार्ट है उसी में आपकी गड़बड़ी है। तो 10-10 सेकेंड आपको मैं दूंगा ताकि आप बना भी ले। 141 नंबर क्वेश्चन है, वी शुड नॉट ट्राई टू डेवलप एनी इंटीमेसी। हमें इंटीमेसी को डेवलप नहीं करना चाहिए। इंटीमेसी मतलब अपनापन, किसके साथ, विद अ ग्रुप ऑफ लायर्स। लायर्स का मतलब होता है झूठा। लायर्स का मतलब क्या होता है, झूठा। तो जब हम किसी झूठ की बात करेंगे ना, या किसी कनिंग फेलो की बात करेंगे, उसके साथ ये ग्रुप का प्रयोग नहीं होगा। ग्रुप क्या हुआ, ये सब आपका ये दल का सूचक है। जितना भी आपका झूठ से संबंधित का झुंड हमें दिखाना होगा वह पैक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पैक कहलाएगा। झूठ, झूठा, झूठ कहे इसको, से संबंधित दल के लिए पैक का प्रयोग होगा। है ना, झूठ से संबंधित जो भी पार्ट होगा उसके साथ हम लोग को यूज करना पड़ेगा पैक। हाँ, जैसे अगर मैं कहता हूं ए पैक ऑफ लायर्स, तो इसका मतलब क्या, झूठों का समूह। इसका मतलब क्या हो गया, यह हुआ आपके पास, देखिए ध्यान से, यह हुआ झूठों का समूह, ठीक है ना। उसी तरह से आप कहते हैं ए पैक ऑफ वोल्व्स। वोल्व्स का मतलब भेड़िया, तो भेड़िया भी तो कनिंग होता है। आप ए पैक ऑफ, आप थीप भी कह सकते हो,
चोरों का समूह, जितना उस तरह के वर्ड होंगे उसके लिए हम लोग क्या यूज करोगे, तो पैक का प्रयोग करोगे। अब देखिए यहां पर आपके पास क्या है, ए हर्ड ऑफ, तो ए हर्ड ऑफ लायर्स नहीं, ए हर्ड ऑफ कैटल। अगर हम बात करें ए हर्ड ऑफ, तो ए हर्ड ऑफ ये लायर्स नहीं, कैटल यानी मवेशी का झुंड। उसी तरह से अ पाइल ऑफ, ए पाइल ऑफ के पास सैंड लगेगा, पाइल का मतलब होता है ढेर, ढेर किसके लिए होगा, बालू का ढेर, यानी यहां पर आपके पास बनेगा सैंड। ठीक है, तो ये सब आपके पास क्या है, छोटे ये ग्रुप है, कलेक्टिव नाउन है, जिन्हें हमें याद करना पड़ता है। अभी एयरफोर्स के सेट में मैं बहुत सारे इस तरह के वर्ड को दे रहा हूं जो आपके लिए निहायत ही आवश्यक है। केवल ये ना समझे कि नाउन में हम लोग सिंगुलर प्लुरल पढ़ लेंगे तो हमारा नाउन हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर बना तीन नंबर, हमने यहां पर ए ग्रुप ऑफ लायर्स के जगह पर हमने इस ग्रुप को हटाकर पैक दे दिया। जितना झूठ से संबंधित, चोरी से संबंधित अगर कोई भी आपका पार्ट आएगा, उसके दल को दिखाने के लिए हमें पैक का प्रयोग करना है। उसी तरह से ए हर्ड ऑफ कैटल होता है यानी मवेशी का झुंड, ए पाइल ऑफ सैंड होता है, सैंड का मतलब बालू, बालू का ढेर। ठीक है, तो इस तरह से 141 का नंबर हो गया तीन नंबर। आइए 144 देखें ध्यान से, द पुलिस वेयर ट्राइंग टू कंट्रोल द क्राउड, पुलिस वेयर ट्राइंग टू कंट्रोल द क्राउड। अब देखो ये पुलिस कर रहा है, क्या कर रहा है, पुलिस कंट्रोल कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है। तो नियंत्रित कर रहा है यानी इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं कुछ भगदड़ हो रहा होगा, भाग दौड़ हो रहा होगा। तो जब क्राउड कहते हैं इसका मतलब हुआ केवल भीड़, अब कहीं पर भीड़ इकट्ठा हो जाए उसको क्राउड कहेंगे, लेकिन जब पुलिस की व्यवस्था करना पड़ जाए तब उसको मॉब कहेंगे। हाँ, यानी इसका ये कंट्रोल द क्राउड नहीं होगा, क्राउड का मतलब क्या हुआ, क्राउड भीड़, माने इसका मतलब हुआ कि आप केवल भीड़ समझते हैं, 25,000 लोग जमा हो गया गांधी मैदान में तो वो क्राउड हुआ। लेकिन अगर हम सपोज करो उस क्राउड में से एक दो थोड़ा सा दिमाग का हटा आदमी कुछ काम कर दे तो भगदड़ मच जाएगा, तो जब भगदड़ मच जाएगा तो उसको कहते हैं मॉब। मॉब का मतलब क्या होता है, क्रुद्ध भीड़। क्रुद्ध भीड़। अब देखिए यहां पर क्यों क्राउड नहीं होगा, क्योंकि पुलिस कंट्रोल कर रहा है। हाँ, पुलिस नियंत्रित करेगा मॉब को, मॉब माने क्या हुआ, अनियंत्रित भीड़, अनियंत्रित भीड़ को, न के क्राउड को। ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा, मॉब का मतलब अनियंत्रित भीड़, जिसे क्या करना पड़ेगा भाई, तो नियंत्रित करना पड़ेगा पुलिस के द्वारा। तब हमें क्या करना है, हमें अपना क्राउड के जगह पर हमें यूज करना है मॉब का प्रयोग करना है। और इस तरह से हमारे पास हमारा उत्तर बन गया, कौन सा उत्तर बन गया, तो ये रहा दो नंबर। बात समझ में आया, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 143 की ओर। छोटा छोटा सा ही चीज, बहुत सारे चीज ऐसे नाउन में है जो हमसे अछूता रहता है। टीचर भी हमारे जो होते हैं वो उन सभी चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं और क्वेश्चन उन्हीं में से कहीं ना कहीं से फंस कर आता है और आप कहते हैं सिलेबस के बाहर है। अरे सब सिलेबस ही है, हमें पहचान ही नहीं है कि कौन सा सिलेबस है। जिसको तुम नहीं पढ़ा वो सिलेबस नहीं है, जो तुम पढ़ लिया वो सिलेबस है, इतना ही तुम लोग जानता है। क्वेश्चन पूछने वाला तो ये नहीं जानता कि तुम क्या पढ़े हो क्या नहीं पढ़े हो, सब नाउन का भाग है तो नाउन के चीज को ही पढ़ा रहे हैं।
चलिए 142 नंबर का दो हुआ, 143 नंबर, आइए देखिएगा। आइए, वाइज इज बेटर देन स्ट्रेंथ, जरा 10 सेकंड है बनाइए। वाइज इज बेटर देन स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ हो गया नाउन, ये ध्यान देना, इसकी तुलना किससे होगा, नाउन से होगा। तो वाइज हमारा एडजेक्टिव है और इसका नाउन अगर बनाएंगे तो बनेगा विजडम, इसका मतलब होता है ये नाउन। ये हुआ एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन आएगा, ये हो गया विजडम माने बुद्धि, है ना, और ये इसका मतलब हो गया बुद्धिमान। तो बुद्धिमान के साथ कुछ और जोड़ेंगे, बुद्धिमान लड़की है, और ये बुद्धि का मतलब हर का बुद्धि खूब बढ़िया चलता है, यानी ये आपका वाइज की जगह पर बनेगा विजडम। विजडम का मतलब क्या हो गया, बुद्धि। आपके पास जो बुद्धि है वह आपके स्ट्रेंथ से ज्यादा बेटर है, आप कितना बलशाली है इस पर कोई निर्भर नहीं करता, आप कितना बुद्धिमान है वही सबसे ज्यादा निर्भर करता है। देखिए आपके लिए अगर आपके पास ये विजडम है ना तो बहुत कुछ पा सकते हैं, और उसी की धार को तेज करना है, और वह कैसे बनेगा, तो आप उसको यूज करके। आज हमारे समाज में हम इस बुद्धिमानी का प्रयोग ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें गुलाम बनाया जा रहा है, किस चीज के द्वारा, तो मोबाइल के द्वारा। हमें ऐसे ऐसे चीज मोबाइल में देखने के लिए अपना समय हम डालते रहते हैं कि हम अपने बुद्धिमानी का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। नहीं तो ये हमारे पास आज के समय में जो हम गुलामी को झेल रहे हैं वह हमारा कोई अंग्रेज आकर नहीं हमें गुलाम बना रहा है, बल्कि मैं खुद गुलाम बन रहा हूं। तो आज का समय है इसको बढ़ाने का, एक बार अगर ये बढ़ गया जिंदगी भर पैसा देते रहेगा, तो इसको बढ़ाने का प्रयास कीजिए। हर काम जरूरी है, ये मैं नहीं कहूंगा कि मोबाइल छोड़ दीजिए, लेकिन उसकी भी नियत समय रखिए, जो आप लोग किस चीज के लिए, तो जो व्हाट्सएप, जो ट्विटर, जो आपका इंस्टाग्राम, जो आपके पास फेसबुक चलाते हैं, उसके समय को निर्धारित कीजिए, बाकी जो आपके लिए जरूरत है उसको तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो चलिए इसका उत्तर बन गया कौन सा, ये हमारा हो गया विजडम, यानी नंबर हो गया 4। ये वाइजनेस फंसाने के लिए दे दिया, ये वाइज दोनों एक ही वर्ड हो गया, ये केवल आपको फंसाने के लिए दे दिया, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 144, आइए 144, He treats his servants with great kind. हाँ, देखिए यहां पर क्या होगा, कहता है उसने, वह अपने सर्वेंट से अच्छा व्यवहार करता है। तो देखिए ये जो वर्ड है हमारा, इस वर्ड में आप देखिए यहां पर great kind, तो great और kind, ये देखो ये एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव और एडजेक्टिव प्रयोग नहीं हो सकता है, हमें नाउन के पहले एडजेक्टिव प्रयोग करना है, इसलिए इसके बदले बनेगा ग्रेट काइंडनेस, ये हो गया नाउन आपका, ये हो गया एडजेक्टिव और ये हो गया नाउन। इसका मतलब दयालु, ये काइंड का मतलब क्या हो गया, दयालु, और इसका मतलब क्या हो गया, दयालुता। दोनों में ये अंतर हो गया, तो हमें अपने इस ग्रेट काइंड के बदले यूज करना पड़ेगा काइंडनेस, यानी नंबर होगा 3 नंबर। कहीं ना कहीं आपको फंसाने के लिए ये ग्रेट काइंड ऑफ विथ के साथ हटा दिया, ऑफ दे दिया, नहीं बनेगा। यहां पर आपके पास क्या दिए थे, किनशिप, काइंडशिप, ये कैसे बनेगा जी, होता ही नहीं है। जो हमारा काइंड है उसका नाउन क्या बनेगा, काइंडनेस,
तो इस तरह से आपके पास 144 का उत्तर बन गया तीन नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 145। चलिए 145 जरा ध्यान से बढ़िया से बनाओगे तो मैं समझता हूं कि तुमसे बन जाना चाहिए। द अमाउंट ऑफ एक्सीडेंट्स इज स्टीडली इंक्रीजिंग। मैं समझता हूं कि आप पहले भी इस बात को देख चुके हो। देखिएगा गौर से, अगर मैं इस क्वेश्चन को बनाता हूं तो हमारे पास एक वर्ड है अमाउंट। ये जो अमाउंट है यह अनकाउंटेबल का सूचक है। हाँ, अमाउंट किसका सूचक है? अनकाउंटेबल का। जैसे तुम कहते हो द अमाउंट ऑफ मिल्क, है ना? तो मिल्क क्या हो गया? यूसीएन हो गया, यूसीएन हो गया। लेकिन अगर हम नंबर कहते हैं, ये नंबर सूचक होता है काउंटेबल का। नंबर किसका सूचक है? काउंटेबल का। इसका मतलब हुआ कि हमें अपने, अगर मैं कहता हूं ए नंबर ऑफ बॉयज, ए नंबर ऑफ बॉयज का प्रयोग जब करते हैं तो ये हो गया आपका काउंटेबल, जिसको आप पीसीएन कहते हो। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो आप देखिए ध्यान से, ये हमारे पास यहां द अमाउंट ऑफ एक्सीडेंट्स क्या हो गया? ये पीसीएन हो गया। जब ये पीसीएन हो गया तो अमाउंट के बदले होगा नंबर। नंबर से नहीं होता, याद रखना, ये नंबर आपका हमेशा नंबर ही रहेगा, इसमें एस नहीं लगेगा। इसलिए हमारा नंबर उत्तर कौन सा हुआ बताओ? ये एक नंबर, ठीक है ना? क्या बना? द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, द नंबर ऑफ बॉयज, द नंबर ऑफ एडवाइस, सॉरी द अमाउंट ऑफ एडवाइस होगा, एडवाइस भी अनकाउंटेबल है, द अमाउंट ऑफ मिल्क। तो जब अनकाउंटेबल बोलेंगे तो अमाउंट आएगा, और जब हम काउंटेबल की बात करेंगे तो नंबर आएगा। ध्यान से इसको, इस बात को समझ लेना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। देखिए वी वेयर सरप्राइज्ड बाई देयर पिकुलियर बिहेवियर। एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। यानी कहने का अर्थ है बिहेवियर आपके पास जो शब्द है, बिहेवियर अनकाउंटेबल नाउन है जिसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता। और बिहेवियर का मतलब क्या हो गया? व्यवहार। तो जब नहीं बनाया जा सकता, अनकाउंटेबल नाउन है, यूसीएन है, तो हमें इनमें से ढूंढना है, यानी उत्तर अमर होगा एक नंबर। क्या बनेगा? वी वेयर सरप्राइज्ड बाय देयर पिकुलियर बिहेवियर, यानी यहां से एस का प्रयोग नहीं होगा, केवल बिहेवियर बनेगा। हाँ, केवल बिहेवियर बनेगा। तो इस तरह से हमारा उत्तर 146 का एक नंबर हो गया। बढ़ते हैं आगे, 147 नंबर क्वेश्चन। आइए 147 जरा ध्यान से देखिएगा, तब आपके पास बनेगा। और वह ध्यान से ही नहीं, आप अपने क्वेश्चन का पूरा अर्थ निकालिएगा और तब ऑप्शन को पढ़िएगा तो उत्तर तुमसे मिल जाएगा। ध्यान से पढ़ोगे आप
देखिए क्या क्या दे रहा है। ऑन ऑलमोस्ट एवरी पेज, कहता है प्रत्येक पेज पर देयर वेयर अनाउंसमेंट्स फॉर सिगरेट्स एंड टोबैको। कहता है किसी एक किताब में या किसी एक न्यूज़पेपर में प्रत्येक पन्ने पर सिगरेट और टोबैको, टोबैको समझते हो ना, तंबाकू, दुनिया का सबसे बेकार चीज जिसको गधा नहीं खाता है लेकिन आदमी खाता है। खैर चलिए, भगवान की दया से जो हमें देख रहे हैं वो ये सब नहीं करते होंगे, थोड़ा सिगरेट चलता है लेकिन ये सब तो बकवास है। खैर, तो प्रत्येक पेज पर अगर हम ढूंढते हैं सिगरेट और टोबैको का तो वो क्या ढूंढते हैं जी, अनाउंसमेंट, घोषणा ढूंढते हो। क्या ढूंढते हो पता है, एडवर्टीजमेंट ढूंढते हो। क्या ढूंढते हो, एडवर्टीजमेंट ढूंढते हो, यानी ये इसका मतलब होता है घोषणा। ये आपका कभी नहीं बनेगा बल्कि हमारा बनेगा एडवर्टीजमेंट्स, यानी इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया आपका प्रचार। क्या ढूंढते हो, घोषणा नहीं ढूंढते हो, क्या ढूंढते हो, प्रचार। हमें क्या मिलता है, प्रचार मिलता है, तो हमें प्रचार का वर्ड अनाउंसमेंट कैसे लगाएंगे, हमें लगाना पड़ेगा एडवर्टीजमेंट्स, यानी उत्तर नंबर हो गया हमारा दो नंबर, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे पास 147 का उत्तर दो नंबर हुआ। आइए 148 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब धीरे धीरे आपके पास जो नाउन के पार्ट हैं वो जो असली पार्ट था वो आपने पढ़ लिया, अब नए नए चीजों को जो आपसे अछूता है मैं उसे ही पढ़ा रहा हूं। आप समझते हैं कि ये सब कैसे बनेगा, ये भी नाउन का एक चीज है, अर्थ पर डिपेंड कर रहा है। और आगे 148 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से, बढ़िया से देखोगे तो शायद तुम्हारा ये काम इस ऑप्शन से मिल जाएगा। देखिए, द लूज ऑफ द पर्स वॉज रिपोर्टेड टू द टीचर। क्लास में लोग आए, किसी का पर्स लूज हो गया, ऐसा टीचर को कहा गया। लूज का मतलब शर्ट उट है कि भाई थोड़ा दुबला गए तो लूज हो गया, इसका मतलब क्या होगा, लूज हो गया, देखो भर्म, एल ओ एस ई, लूज बराबर भर्म। और अगर मैं आपके साथ जोड़ रहा हूं तो आपके पहले क्या होगा, नाउन आएगा। तो हमारा जब कोई चीज खो जाता है तो हम लोग कहते हैं लॉस हो गया, कहते हैं ना, लूज का जो भी टू बनता है वह क्या बनता है, लॉस्ट, ये हो गया भी वन। और इसका अगर भी टू जोड़ेंगे तो ये बनेगा लॉस्ट, ये भी क्या हो गया, वर्ब हो गया, यानी ना ये बना ना ये बना, तो हमारे पास क्या बना, लॉस, एल ओ डबल एस, लॉस का मतलब क्या हो गया, नाउन हो गया। लॉस किसको कहते हैं, नाउन को, यानी यहां पर ये लूज के बदले बनेगा लॉस, उत्तर नंबर दो होगा। खोना, खो गया, हाँ, इसको कहते हैं खोना, हो गया। और इसको मतलब, इसका भर का मतलब क्या, खो जाना, इसका मतलब हो गया खो जाना, दोनों में अंतर है, ये हो गया भर्ब और वहां हो गया नाउन। तो हमें नाउन का प्रयोग करना वैसे भी ऑफ है, आपके दोनों तरफ क्या होगा, कोई ना कोई नाउन आएगा ही आएगा, तो हमारे पास यहां लूज के बदले लॉस होगा, इसलिए उत्तर होगा नंबर दो। बात समझ में आई, आसान चल रहा है, बस केवल जोड़ लीजिए इसके साथ और उत्तर निकाल लीजिए। तुम सब जानता है, ऐसा नहीं कि नहीं जानते हो, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं क्योंकि आज तक हमने इस तरह के चीजों को बनाया नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 149, ये देखिए क्या बात है भाई, सुनो जी, चाइल्डिश बिहेवियर मत करो,
चाइल्डिश बिहेवियर मत करो, बोल दिया उत्तर मैं तुमको। चाइल्डिश बिहेवियर जहां किया तो तुम्हारा नुकसान है, देखिए क्या होगा। बताने के पहले कहता मिस्टर विपिन सिन्हा, माने हो सकता है मैं ही हूं, ऑफन थिंग्स ऑफ द हैप्पी डेज ऑफ हिज चाइल्डिश। बचपन की यादें याद करके मन बहुत ही खुश हो जाता है। वो बाबूजी का डांट, वो बाबूजी का थप्पड़, वो बाबूजी का मार और बाबूजी का प्यार, ये सब बड़े अच्छे होते हैं। जिस समय वो चीज हो रहा होता है उस समय कभी कभी गुस्सा आता है, लेकिन आज अगर आप सोचिए तो उससे बढ़िया चीज और कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो कहने का अर्थ है, मैंने बोला तुम्हें चाइल्डिश बिहेवियर बिहेवियर हो गया। तो जब हम लोग ऐसा लिखे तो बिहेवियर क्या हो गया, नाउन। तो नाउन में चाइल्डिश क्या हो गया जी, एडजेक्टिव हो गया। और तुम लोग यहां पर हीज क्या है, हीज क्या है पता है, हीज है एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव। तो पजेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या लगेगा, नाउन लगेगा। इसका मतलब अगर हमें जानना होगा तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को ये चाइल्डिश हटाना पड़ेगा और यहां लिखना पड़ेगा चाइल्ड फूड। ये हो गया एडजेक्टिव और ये हो गया नाउन। इसको पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं, माई आवर योर हिज हर, ये क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। तो हमारा यहां बना एडजेक्टिव प्लस नाउन, यानी हमारा उत्तर बन गया, नहीं है क्या जी, चाइल्डहुड है, कहां है, उत्तर नंबर 3 हो गया। खाली चाइल्ड होगा नहीं तो अपने नाउन हो गया, ये नाउन हो गया, और चाइल्डनेस होता ही नहीं है, ये शब्द ही नहीं है, गलत है। इसका मतलब हमारा क्या बन गया, चाइल्डहुड। तो चाइल्डिश बिहेवियर मत करो और अपने चाइल्डहुड पर ध्यान दो। जो तुम्हारा चाइल्डहुड बीत चुका उस पर अगर एक बार अपने विचारों को ले आओ, बड़ा खुशी तुम्हें मिलेगा। और इस तरह से हमारा 149 नंबर का उत्तर बन गया, कौन सा, तो 3 नंबर। ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 150। चलिए, गलती नहीं होना चाहिए, 10 सेकंड है, पढ़िए, 10 सेकंड है, पढ़िए जरा जल्दी से। कितना टाइम, 140। देयर आर थ्री हैंडफुल्स ऑफ राइस। जब पता नहीं अब सही है कि नहीं, हमें नहीं पता है, लेकिन मैं एक छोटा सा बात बता रहा हूं कि अगर मैं कहता हूं एफ यू एल से अंत करने वाले नाउन का प्लूरल शब्द के अंत में एस लगाकर बनाते हैं, क्या बनाते हैं ना, जैसे मैं कहता हूं कप फुल, क्या बनता है जी, कप फुल का क्या बनता है, सी यू पी एफ यू एल और एस, ये बनता है, लेकिन तुम्हें दे देगा सी यू पी एस एफ यू एल, नहीं बनेगा। है ना, यानी कहने का अर्थ है कि कप्स फुल बने, कप फुल्स बनेगा और कप्स फुल नहीं बनेगा। उसी तरह से अगर मैं यहां पर एच ए एन डी
एफ यू एल बोलेंगे तो क्या बनेगा, एच ए एन डी एफ यू एल, बनेगा और क्या नहीं बनेगा, तो एच ए एन डी एस एफ यू एल नहीं बनेगा। तो अगर मैं अपने इस क्वेश्चन में इसका उत्तर मैंने दे दिया, अब अपने उत्तर में देखेंगे तो क्या बनेगा, ध्यान से देखिए। यहां पर आपके पास लिखा हुआ था हैंड फुल्स ऑफ राइस, तो यहां तो हमको ठीक ही लगता है, यहां पर ये तो आपका होगा नहीं, हैंड फुल, केवल हैंड फुल नहीं बनेगा। हाँ, उसी तरह से राइस ऑफ हैंड फुल, ये तो और भी गलत है, हैंड हैंड्स फुल ऑफ राइस, यानी ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा और ये बन ही नहीं सकता, तो बचा क्या, दो नंबर। इसका मतलब मेरा उत्तर बन गया दो नंबर। हाँ, हो गया बात समझ में, आ गई सबको, खूब बढ़िया से। आगे है 141 नंबर, चलिए देखिए 141। अरे सॉरी, ये देखो भाई 150 ये है, ये 150 था जिसका मैंने उत्तर बनाया, ठीक है ना, क्योंकि हमारा 141 से चल ही रहा है तो 150 हो गया। अब 151 में हमें आना है, यहां देखिए, देयर आर टू पी में एस लगा इन द वर्ड एप्पल, एक वर्ड है एप्पल, इसमें कितना पी है, यानी पी का हमें प्लूरल बनाना है। तो याद रखो, अगर हम पी का प्लूरल बनाते हैं अल्फा बेट का प्लूरल एपेस्ट्रॉफ एस लगाकर बनता है, इसी का नहीं, ये केवल आप अल्फाबेट का ही नहीं, नंबर का भी, अगर नंबर भी लिखा है तो उसका प्लूरल बनेगा एपेस्ट्रॉफ एस लगकर, एपेस्ट्रॉफ एस लगकर प्लूरल बनेगा। अगर हम सपोज करो सी कहते हैं तो सी का प्लूरल बनेगा सी में एपेस्ट्रॉफ एस, ऐसे बनेगा। अगर हम फाइव कहते हैं तो इसका बनेगा फाइव में एपेस्ट्रॉफ एस। तो कहीं ना कहीं हमारे पास, हमारा यहां पी है आपके पास लिखा हुआ है और पी में टू के बाद पीज है, इसका मतलब उत्तर कौन होगा, एक नंबर। ये दिमाग में रखो कि अगर हमारा अल्फाबेट का कोई भी शब्द आ गया तो अल्फाबेट में हमें क्या करना पड़ेगा कि जो आपका अल्फाबेट रहा, अगर यहां पर पी है तो पी का बन गया पी में एपेस्ट्रॉफ एस। अगर हम यहां सेवन देंगे तो बनेगा सेवन में एपेस्ट्रॉफ एस। तो कितना मजेदार चीज आपको बता दिए, इसका मतलब हमारा उत्तर बन गया नंबर एक बन गया, एपेस्ट्रॉफ एस लगकर बनेगा, ये एपेस्ट्रॉफ एस लगकर बनेगा, है ना, एपेस्ट्रॉफ एस लगकर बन रहा है, एपेस्ट्रॉफ एस लगकर बनेगा। तो टू टाइप्स तो होगा नहीं, क्योंकि इसका तो जब बन ही रहा है टाइप्स कहां लगाते हैं, जिसका नहीं बनता है। तो इस तरह से हमारे पास 151 का उत्तर एक नंबर होगा। चलते हैं 152 नंबर, नया नया चीज तुम्हें सीखने को मिल रहा है, मैं ही कहूंगा कि कॉपी की शोभा बढ़ाइए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, हालांकि वो फोटो में ही रह जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 152 नंबर, 152 नंबर, चलिए बनाइए, ध्यान से पढ़िए, बहुत सारे नए नए चीजों को आप सीख रहे हैं। द होल आर्मी फूट हॉर्स वाज डिफीटेड, द होल आर्मी यानी पूरा का पूरा सेना, पैदल सेना, घुड़सवार सेना, सभी हार गए। डिफीट का मतलब हार गए, क्या हार गए, देखिए सुनिए ध्यान से, आर्मी को हार गए, तो आर्मी मतलब सेना, बहुत बढ़िया। फूट मतलब हुआ पैदल सेना,
पैदल सेना, और खाली हॉर्स माने तो घोड़ा हो गया, तो यहां बना HORSES, हॉर्सेज जब डाल देंगे इसका मतलब हो गया घुड़सवार सेना, घुड़सवार सेना। केवल हॉर्स माने घोड़ा, लेकिन अगर एस लगा दिया तो हो गया घुड़सवार सेना। देखो कितना शानदार चीज आपको मैं बता दिया, हाँ, यानी क्या हो गया, अगर आर्मी माने सेना, फूट माने पैदल सेना, तो हॉर्स लिख दिया तो खाली घोड़ा हो गया, सेना नहीं हुआ, तो केवल घोड़ा नहीं हारा, घुड़सवार सेना। इसका मतलब अब हमें उत्तर खोजना है कहां पर बनेगा, तो आर्मी फूट एंड हॉर्सेस, यानी उत्तर बनेगा 3 नंबर। पहला तो नो इंप्रूवमेंट होगा नहीं, सेकंड में फूट में एस दे के फंसाया, थर्ड में आर्मी में एस दे के फंसाया, यानी ये दोनों होगा नहीं, तो बचा क्या उत्तर, उत्तर नंबर होगा आपका 4 नंबर, ठीक है ना, उत्तर नंबर हो गया 152 का 4 नंबर। आइए 153 नंबर, 153 नंबर, देखो 153 नंबर का क्वेश्चन है आपके लिए, आपकी मुस्कुराहटों के साथ अगर इसे बनाते हैं तो मैं नहीं समझता हूं कि आप इसको नहीं बना सकते हैं, एक बार ऑप्शन देखना और क्वेश्चन देखना, दोनों देखते देखते आपका बन जाएगा, ऑप्शन और क्वेश्चन दोनों को एक साथ देखो। कहता है द ऑनेस्ट एंड द लेबोरियस गो अहेड इन देयर लाइव्स, द ऑनेस्ट में एस लगा, द लेबोरियस में एस नहीं लगा, गो अहेड इन देयर लाइव्स। आप बताओ ऑनेस्ट शब्द क्या है, एडजेक्टिव, कभी भी किसी एडजेक्टिव में एस लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, हम लोग नाउन में एस लगाते हैं, नाउन का प्लूरल बनाते हैं। आपने पढ़ा होगा, आपको ध्यान होगा, आपने पढ़ा है द प्लस एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है पूरी जाति का बोधक शब्द। तो जब मैं याद करो द पुअर लगाया, यानी गरीब, सारे गरीब लोग, ऐसा हम लोग पढ़े हैं, तो अगर हम लोग इसका द पुअर्स लगाते हैं तो ये गलत होता है, कभी नहीं बन सकता है। उसी तरह से अगर मैं द ऑनेस्ट दे दिया, यानी सारे ईमानदार लोग, तो जब हम सारे ईमानदार लोग की बात करते हैं तो कभी भी द ऑनेस्ट नहीं होगा, द ऑनेस्ट में एस नहीं लगेगा, संभव ही नहीं है कि लग जाए। इसका मतलब हमारा उत्तर बन गया द ऑनेस्ट सही है, द पुअर सही है। उसी तरह से द लेबोरियस, द लेबोरियस, इसका मतलब क्या हो गया, सारे मेहनती लोग, सारे मेहनती लोग। तो कुछ चीजों को हम लोग जब पढ़ते हैं तो वहां से हमें जानकारी, जब सेकेंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन आता है तो उसमें ज्यादा हम अपने आप को जानकार समझते हैं, और उससे क्या होता है कि हमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनाने में सहूलियत होता है। ये सब आया हुआ क्वेश्चन है, कोई मेरा अपना तो है नहीं। तो ये देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूंगा तो यहां पर इस क्वेश्चन में ये ऑनेस्ट लगा जो नहीं बन सकता है, तो द ऑनेस्ट एंड द लेबोरियस होगा, तो द ऑनेस्ट एंड द लेबोरियस कहां है, देखो यहां पर ऑनेस्ट सही दिया लेकिन लेबोरियस में दे दिया, ये तो कभी नहीं होगा। सेकेंड नंबर में ऑनेस्ट में भी दे दिया और यहां एस भी दे दिया, ये भी नहीं बनेगा। तो बचा क्या, द ऑनेस्ट एंड द लेबोरियस, द ऑनेस्ट एंड द लेबोरियस, उत्तर बना नंबर 3, 153 का 3 नंबर। 154 नंबर क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, तैयार हैं आप लोग सभी, मजा आता है ना, आप लोग के पास नए नए चीजों को सीख रहे हैं, नाउन में भी एक्स्ट्रा चीज सीख रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 154 आपके सामने है, जरा ध्यान से देखिएगा 154 का उत्तर क्या बनेगा, बढ़िया से इसको देखकर और बनाना।
शी गेव आर्म टू द ब्लाइंड एंड फॉर दीज ही थैंक्ड हर। उसने क्या दिया? भिक्षा दिया, भिक्षा दिया। ये आर्म्स हमेशा एस लगकर ही आएगा, कभी विदाउट एस नहीं आ सकता है। यानी कहने का अर्थ है आर्म्स, भिक्षा, हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही प्रयुक्त होता है। केवल आम का प्रयोग नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि यहां पर हमारे पास ये आर्म का प्रयोग होगा नहीं, क्या बनेगा भाई? आर्म्स बनेगा। तो जब आर्म्स बनेगा तो अगर हमारे पास इस क्वेश्चन में देखा जाए तो यहां पर आपका ये आर्म के बदले आर्म्स हो गया, बन गया ना जी। और अगर आर्म्स बन गया और यहां पर आपके पास है द ब्लाइंड, तो द ब्लाइंड का मतलब क्या हो गया? सारे अंधे लोग, द प्लस एडजेक्टिव वाला बात हो गया, इसमें तो ऐसा लगेगा नहीं। तो देखो आर्म्स टू द ब्लाइंड, सेकेंड नंबर में आर्म टू द ब्लाइंड, ये तो नहीं बनेगा। आर्म्स टू ब्लाइंड केबल, नहीं, हम केबल ब्लाइंड को अंधा कौन? तो अंधा के साथ कोई ना कोई आदमी मेरे पास आना चाहिए, तो आदमी का गिनती कौन कराएगा? तो द ब्लाइंड। इसलिए उत्तर नंबर बनेगा मेरा कौन सा? एक नंबर। 154 का उत्तर हो गया एक नंबर, ठीक है भाई। 154 में आपने आर्म्स बना दिया क्योंकि वो हमेशा प्लूरल के रूप में आएगा, प्लस आपके पास द ब्लाइंड जो आपका है वह ज्यों का त्यों रहेगा, उसमें एस लग नहीं सकता है। इसलिए अब हमारे पास चलते हैं 155 नंबर। चलिए देखिए 155 नंबर क्वेश्चन, यह भी आपके लिए बड़ा शानदार क्वेश्चन है। इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री में फ्रेंच आर ए ब्रेव पीपल। ये फ्रेंच यहां पर एक शब्द आ गया, ये फ्रेंच माने क्या हुआ? तो आप देखो एक छोटा सा चीज मैं बताता हूं। पीपल का मतलब क्या हो गया? लोग। देखिए आप कहते हैं इंग्लिश, तो इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेजी भाषा, है ना। अगर मैं इसको द इंग्लिश कहता हूं तो इसका मतलब होता है अंग्रेज लोग, ठीक है। सेम तरह से अगर मैं फ्रेंच कहता हूं तो इसका मतलब हो गया फ्रांसीसी भाषा। अगर फ्रेंच बोला तो हो गया फ्रांसीसी भाषा, लेकिन अगर हम लोग बोले द फ्रेंच, तो जब द फ्रेंच बोले इसका मतलब हो गया फ्रांस के लोग। तो द फ्रेंच जो है वह एक लड़ाकू जाति माना जाता है वर्ल्ड हिस्ट्री में, तो हमारा फ्रेंच नहीं होगा, द फ्रेंच होगा। तब जब द फ्रेंच होगा तो हमें अपने क्वेश्चन के उत्तर में अगर देखें कि क्या बनेगा, तो इन द वर्ल्ड हिस्ट्री फ्रेंच आर अ ब्रेव पीपल नहीं बनेगा, क्या बनेगा? फ्रेंच के बदले द फ्रेंच होगा, आर अ ब्रेव पीपल। यहां पर उत्तर हुआ दो नंबर। एक क्यों लगा? क्योंकि यहां जाति के रूप में हो गया, यह केवल लोग नहीं हुआ,
ये यहां पर हुआ जाति, इसीलिए हमारा ए आ गया है। पीपुल में एस लगा दोगे तो राष्ट्र हो जाएगा, बात समझे? तो यहां पर उत्तर बन गया हमारा नंबर 3। कौन सा बना? द फ्रेंच आर अ ब्रेव पीपुल। वर्ल्ड हिस्ट्री में जो फ्रांसीसी लोग हैं वे अच्छे जातियों में, लड़ाकू जाति उन्हें माना जाता है। तो हमारा बन गया 155 का 3 नंबर, 156। आइए देखिए 156, ऑप्शन भी बढ़िया से देखकर तब बनाना। बोलो जी हीरो लोग, यहां पर है ऑल द एसेट ऑफ द रिच मैन वेयर सोल्ड टू पे ऑफ द डेट। देखिए ये क्या है, तो एक वर्ड है तुम्हारा ए डबल एस ई टी एस, एसेट्स, ये एस लगकर ही आएगा। हाँ, एसेट्स का मतलब संपत्ति। हमेशा प्लूरल के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। हाँ, एसेट्स ही नहीं, आपके पास एसेट्स के बदले अर्निंग्स है, ये हमेशा ऐसा प्लूरल है, ये सिंगुलर है ये नहीं है। तो जब हमारा ये सब प्लूरल है तो हमें अब देखना है एक चीज और, कि यहां पर हमारा एसेट से एसेट्स बन गया, ये बन गया ए डबल एस ई टी एस। जब एसेट्स बन गया तो अब यहां पर एक वर्ब है आपका वेयर, ये किसके लिए आ गया? अब हमारा ऑल द एसेट्स, हाँ, ऑफ, यानी हमारा इसके लिए हमें भर्व खोजना है तो वेयर ही आना चाहिए। तो जब वेयर आना चाहिए तो अब देखो ये एसेट हो गया, ये तो पहले ही खत्म हो गया, थर्ड नंबर में एसेट्स है लेकिन यहां वाज दे दिया इसलिए ये नहीं बनेगा, तो बना क्या? 2 नंबर। उत्तर बना इसका ऑल द एसेट्स ऑफ द रिच मैन वेयर, ऑल द एसेट्स ऑफ द रिच मैन वेयर। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत है? नहीं है। इसका मतलब हमारा 156 का उत्तर बन गया 2 नंबर। आइए 157 नंबर, चलिए देखिए 157 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। कहता है द फाइव मेन सब कमिटी हैड ए 2 आवर कॉन्फ्रेंस दिस मॉर्निंग। देखो जब हम लोग हाइफन से किसी चीज को जोड़ेंगे तो नाउन सिंगुलर ही रहेगा। किससे जोड़ा? हाइफन से, 2 आवर कर दिया, आवर्स तो नहीं किया। इसका मतलब ये यहां पर बनेगा 5 और मैन। क्या बना? 5 मैन। क्या बना? 5 मैन कमिटी, सब कमिटी। तो जब हम बीच में हाइफन देंगे तो वहां पर हमें उस शब्द का संख्या के बाद प्लूरल नहीं बनाना है, यानी कहने का अर्थ है हाइफन से जुड़े होने पर संख्या के बाद सिंगुलर नाउन ही आएगा, है ना? इसलिए क्या बना? ए 5
मैन कमिटी ठीक है ना, उसी तरह से आपके पास आ गया ए सिक्स आर जर्नी। आवर्स नहीं दिए, एस नहीं लगाए, एक किसके लिए आया, जर्नी के लिए आया, एक किसके लिए आया, कमिटी के लिए आया। तो जब बीच में हम हाइफन देंगे, इसको क्या बोलते हैं, हाइफन, एच वाई पी एच ई एन, हा एच वाई पी एच ई एन, इसका नाम हुआ हाइफन। हाइफन से जुड़े होने पर संख्या के बाद सिंगुलर नाउन ही आएगा, जैसे फाइव मैन होगा, मेन नहीं होगा। तो अब अगर हमें क्वेश्चन का उत्तर खोजना है तो अब हमें उत्तर को खोजने के लिए क्या देना पड़ेगा, पहला फाइव मेंस हो गया नहीं बनेगा, सेकेंड नंबर में कमिटीज हो गया ये नहीं बनेगा, यानी उत्तर नंबर तीन होगा, फाइव मैन सब कमिटी। अब आगे दो लगे, टू लगे, थ्री लगे, कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा उत्तर बन गया नंबर तीन। चलिए अच्छा आते हैं क्वेश्चन नंबर 158 में, देखिए ध्यान से ऑप्शन को देखकर समझकर और तब हमें उत्तर मारना है। 10 सेकेंड आपके सामने आ रहा है। रोज अपॉन रोज कतारें, एक कतार से दूसरे कतार, अब डेलिकेट ग्रीन यानी कतार बद कतार हरियाली को देखकर सूदिंग टू द आईज, हमारे आंख सूद कर रहे हैं, ठंडापन मिल रहा है, शांति मिल रहा है हरियाली को देखकर। तो यहां पर एक चीज देखें, यहां पर एक नाउन यहां है और सेम नाउन यहां पर है ना। तो जब एक जब जब दो एक समान नाउन किसी प्रीपोजिशन से जुड़कर आते हैं तो दोनों नाउन हमेशा सिंगुलर होंगे, तथा इसका वर्ब भी सिंगुलर होगा। जब हम दो एक समान नाउन का प्रयोग करेंगे तो दोनों का दोनों नाउन सिंगुलर होगा और दोनों नाउन के बाद जो वर्ब होगा वह भी सिंगुलर होगा। अगर मैं कहता हूं, सपोज करें विलेज या डोर टू डोर ऑफ दिस विलेज हैज बीन ब्रोकन। तो देखो ये डोर और डोर दोनों सिंगुलर, ये सिंगुलर और ये भी सिंगुलर, और ये जब एक सब्जेक्ट बन गया तो इसके लिए वर्ब हमारा क्या बन गया, हैज बन गया। इसका मतलब हुआ कि हमारा डोर टू डोर के लिए वर्ब हो गया हैज, विलेज आफ्टर विलेज आप लोग को याद होगा हैज बीन डिस्ट्रॉयड। तो उसी तरह से अगर मैं इस क्वेश्चन में देखता हूं, अगर इसको आप लोग समझ गए होंगे तो हम लोग अपने क्वेश्चन में चलते हैं, जहां हमारे पास लिखा हुआ है यहां पर बनेगा रो अपॉन रो, क्या बना जी, रो अपॉन रो। अब ये सिंगुलर हो गया तो इसके लिए वर्ब, अब यहां पर आर था, इस आर के बदले भी क्या होगा, ईज होगा।
रो अपॉन रो भी हो गया और हमारा भर भी आर के बदले ईज होगा, तो अब हमें देखना है कहां है। तो पहला में दे दिया रो अपॉन रो ऑफ डेलिकेट ग्रीन ईज, यहां तो ये सही लगता है। सेकेंड नंबर में ये रोज आ गया, थर्ड नंबर में रोज और रोज आ गया, ये बनेगा नहीं, इसलिए उत्तर मेरा बन गया कौन सा, तो एक नंबर। ठीक है, आसान है, ज्यादा भारी तो नहीं है, बस चीजों को सीखकर आप वहां तक पहुंचने का प्रयास करें। नेक्स्ट है हमारे पास अगला क्वेश्चन, देखिए अब ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, मुझे नहीं, पहले पढ़ो बढ़िया से। ए हीरो, खाली पढ़ेगा ना तो उत्तर वह मिल जाएगा, पढ़ो बढ़िया से, मजेदार तरीके से पढ़िए। कहता है द लैंड लेडी वेंट टू द टेम्पल, लैंड लॉर्ड होता है ना जो मकान मालिक है, और ये लैंड लेडी मतलब मकान मालकिन, क्या बोलते हैं, मालकिन। तो जो मालकिन है वेंट टू द टेम्पल, कहां गई बोलो ना, कहां गई, मंदिर गई, क्यों गई, टू प्रे, प्रार्थना करने के लिए, भगवान से प्रार्थना कर रही है, फॉर हिज वाइफ्स स्पीडी रिकवरी, अपनी पत्नी के, वो बीमार थी उसको ठीक कराने के लिए गई। तो ये भी पत्नी और उसकी पत्नी होगी, पत्नी पत्नी की पत्नी का हस्बैंड होगा जी, अरे जब ये मालकिन है तो उसका हस्बैंड ना होगा, ये वाइफ का प्रयोग यहां पर होगा नहीं होगा, यानी हस्बैंड होगा, होगा ना जी, और दूसरा लैंड लेडी है तो हिज कैसे आएगा, हर आएगा, यानी ये दोनों का दोनों गड़बड़ है, इसलिए हमारा उत्तर बनेगा, देखो पहला में तो ये बनेगा नहीं, दूसरा बना हिज हस्बैंड से स्पीडी रिकवरी, तो ये हिज गलत हो गया, हर हस्बैंड से स्पीडी रिकवरी नंबर तीन। ऐसा भी क्वेश्चन आ रहा है, पते नहीं हम लोग को, हम लोग ढूंढ रहे हैं क्या होगा उत्तर, क्या होगा, पत्नी का कहीं पति होगा कि पत्नी का कहीं पत्नियां बनेगा, संभव है नहीं संभव है, इसलिए हमारा उत्तर बना 159 का तीन नंबर। ठीक है ना, यानी लैंड लेडी प्रार्थना करने गई कि उसके पति जो बीमार है वह ठीक हो जाए, उसकी पत्नी बीमार नहीं होगी, और जब बीमार नहीं होगी तो आपके पास आपका लास्ट क्वेश्चन आ रहा है 160 नंबर। ये देखिए, ये बन जाना चाहिए, हु हैज ब्रोकन द हाउसेज डोर, हु हैज ब्रोकन द हाउसेज डोर, अरे निर्जीव है हाउस, आदमी के पजेसिव को निकालने के लिए एपोस्ट्रोफेस का प्रयोग किया जाता है, इसका मतलब क्या बनेगा, द हाउस ऑफ द डोर बनेगा, हा? तो द हाउस ऑफ द डोर, सॉरी द डोर ऑफ द हाउस, तो दो तो यहां दिया हुआ पहले से है, इसलिए ये वाला होगा नहीं, उत्तर बना कौन सा, दो नंबर, द डोर ऑफ द हाउस, द दिया हुआ है इसलिए यहां द दोबारा आएगा नहीं, क्या बना, द डोर ऑफ द हाउस, और द यहां पर दिया हुआ है, बात समझ में आया। सारे चाहने वालों से मैं यही कहूंगा, भरपूर आनंद लें, आपके लिए मैंने दो दिन छुट्टी भी दिया ताकि आप रिवीजन कर सको, प्रत्येक दिन मैं 20 क्वेश्चन लाने का प्रयास करता हूं जहां डिफरेंट टाइप ऑफ चीज जो आप लोग नहीं पढ़े उसी को ला रहा हूं। तो बस अंत में यही कहेंगे कि आपके पास जो हमारा कोटेशन था पहला, क्या था कोटेशन पता है ना, कि मुस्कुराहट और मदद, ये मुस्कुराहट और मदद ये दोनों ऐसे इत्र हैं, क्या चल रहा है कहते हो ना फॉग, ऐसे फॉग हैं जिन्हें जितना अधिक दूसरे पर छिड़क किएगा उतना ही अधिक सुगंधित आप होइएगा। तो भगवान के लिए ये शब्द दिमाग में रखें और खूब बढ़िया से मेहनत करो ताकि आपका जो भविष्य है वह उन्नत बने। चलिए भाई, थैंक यू वेरी मच वॉच करने के लिए, थैंक यू वेरी मच शेयर करने के लिए,
थैंक यू वेरी मच लाइक करने के लिए, थैंक यू वेरी मच कमेंट करने के लिए, और आप मस्त रहें, आप स्वस्थ रहें, मेरी शुभकामना आपके साथ है। थैंक यू।